तो ये मिक्सर है और मिक्सर है, तो ये कुक के अंदर था ना, वो हमने सब कुछ डाल दिया और हमारा करी बहुत जल्दी ही तैयार होने वाला है और हम इसके साथ कॉम्बिनेशन डालने वाले चपाती के साथ, तो यू आर गोइंग टू लव इट। अब हमने थोड़ा पानी भरा था ना, वो भी डाल दो, फिर बॉईल होने दो। तो थोड़ी देर हमने बॉईल कर दिया और इसको फिर से स्टर करो। आपको बीच बीच में देखना होगा, स्टर करना होगा, बॉईल होना जाने होगा, तो वैसे बन जाएगा, वैसे हवा वैसे करके करके हमारा ये आ जाएगा। तो गरम मसाला कोरिएंडर भी डालना, वो कब डालेगा वो जब डालेगा। इसके अंदर कुछ गायब लग रहा है ना गाइस। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हमारा चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, वो भी होममेड हो सकता है। आजकल सब लोग झूठा डाल रहे हैं, तो बिना कलर के भी हो हम घर में बनाते हैं, रेड कलर भी नहीं हुई तो हम उसको लेंगे, ड्राई होने देंगे और उसको स्मैश करेंगे, तो हमारा ये बनकर रेडी होता है। और थोड़े प्रोसेस होता होगा पर ठीक है, मैंने आपको छोटा सा वे बोल दिया। अब हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हम एमटीआर वाला, हम एमटीआर यूज कर रहे हैं, दूसरा भी यूज करते हैं, यूज कर सकते हो। और हाँ बोलती हूँ कि मैं ना ये स्पॉन्सर या प्रोमोटर नहीं है, तो यार वैसा मत सोचो। हाँ मैं बार बार एमटीआर बोलती हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, तो थोड़ा सा डाल दो, इतना आपके क्वांटिटी के जितना, मेरा क्वांटिटी इतना आप देख सकते हो। तो हमने मसाला इतने डालिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखा रही हूँ मैं वन बाय वन, तो टाइम वेस्ट भी नहीं दिखा रही आपको, ठीक है, इसलिए उस थोड़ा सा दिखाई होगी स्टरिंग के वक्त। स्टरिंग वक्त में थोड़े थोड़े चीजें डाल रही, इसलिए तब तक हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो हमने थोड़े कोरिएंडर लीव्स डाल लिए, अब हमने डाल लिए, हमने छोले मसाले बना दिए, तो आपको चपाती वाला पर भी मिल जाएगा। चपाती के साथ कब खा रहे तो भी रेडी, और अभी बनाना घर पे बहुत ईजी है। बाय।